अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। दोस्तों हम हैं आज द क्लासिक गोट फार्म, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर कुर्बानी गोट्स। और सीज़न 2024 की शुरुआत हो चुकी है, पूरा सीरीज़ ज़रूर देखें आप लोग नदीम भाई के साथ में, द ओनर ऑफ क्लासिक गोट फार्म। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई, कैसे हैं आप? नदीम भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ नदीम भाई, हमेशा की तरह जी। क्वालिटी अगर देखनी है तो एक ही रूफ के अंदर दिख जाएगी, वो है क्लासिक गोट फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। सो लोग क्या एक्सपेक्ट करें आपसे इन द सीजन ऑफ 2024? लोग जो मेरे से जुड़े हैं ना काफी सालों से, वो तो यही मतलब समझते हैं कि जैसा कि उनको क्वालिटी है और बकरा अच्छा खूबसूरत है, कम उम्र का है, अच्छे वजन पे है, साफ सुथरा है, तो वो लोगों को अभी पता है अल्हम्दुलिल्लाह करम से, वो लोग आ जाते हैं बकरा लेने के लिए। बहुत से लोग फ़ोन पे बकरा बुक कर लेते हैं, बहुत से आउटस्टेशन पे वीडियोस, आप जिसे वीडियो बनाते हैं उस पर बुक कर लेते हैं, तो वो क्वालिटी उनको पता है कि यहाँ मिलती है, तो उनको क्या है वो उस चीज़ की फिक्र नहीं है। सही। और उनको ये भी पता है अल्लाह करम से कि भाई जो बकरा हम बात करेंगे और जो वजन भी देंगे वो वजन पर बकरा मिल जाएगा उनको। सही। तो लोगों को क्या वेट से क्या वेट तक के बकरे ये सीजन में मिलेंगे और कौन सी ब्रीड्स मिलेंगे? हर साल की तरह जैसे ये साल भी मैंने लगभग 50-55 किलो से लेके 125-140 किलो तक के बकरे हैं। 140 किलो तक? हाँ, बेचने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, बेचने वाले। पलाई के बकरे मेरे पास लास्ट ईयर के जो लोगों ने बड़े बड़े बकरे लिए थे उसमें से कुछ बकरे 142-145 किलो भी टच किए हैं, नॉर्मल सेल्फ फीडिंग पे, खुद खा के। भराई का काम तो होता ही नहीं, नहीं, नहीं अपन करते नहीं है, तो सेल्फ फीडिंग पे बकरे आज 150 भी पार जा रहे हैं। बस ये अलग बात है कि वीडियो में हम लोगों ने शो नहीं करे, वो कैसा है कि ऑलरेडी कुर्बानी वाले लोगों के बकरे हैं जिनको कुर्बानी करना है। कुछ बकरे आई होप हमने लास्ट टाइम दिखाए थे इस बाड़े में ना। हाँ वो है ना, वो सारे कंटिन्यू हुए ना, बहुत सारे। सही है। तो नदीम भाई ये वीडियो में क्या दिखाएंगे आप? ये वीडियो में पहले हम लोग बड़े बकरे दिखाएंगे, क्योंकि आजकल सब बकरों का ट्रेंड जो चला है ना, वो बड़े बकरे हर जगह पे चल रहे है, तो बड़े बकरों का डिमांड भी ज्यादा है और लोग भी ये चाह रहे थे कि हमारे पास से बड़े बकरे आ जावे पहले वीडियो में और उनको सिलेक्शंस मिल जावे और उनको देखने मिल जाए। तो अभी तो मेरे पास रेंज काफी अवेलेबल है और कुछ दिनों में और भी रेंज अवेलेबल हो जाएंगी, तो अभी मेरे पास फिलहाल जो बड़े बकरे हैं जो मैंने सिलेक्ट कर करके दो चार जहाँ जहाँ से जमा किया हूँ वो बकरे मेरे पास जमा हो गए हैं, तो वो हम लोग अभी दिखा देंगे। तो एक वॉक कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बकरे तो काफी है बेचने के लिए। ये पूरा यहाँ से लेके आसिम भाई जी, ये आप देख रहे हो अंडू बकरे, खस्सी बकरे, मक्की चीना वगैरह ये सब देख रहे हो, पूरा गैंग है मक्की चीना का। हाँ, मक्की चीना का तो गैंग ये इनकम्प्लीट है अभी, तो और बड़ा गैंग आने वाला है इंशाल्लाह, यानी और बहुत सारे मक्की चीना, बहुत सारे अलग कलर के सोजत, अंडू, खस्सी और बहुत बकरे आने वाले है। तो माशाल्लाह बस ये साल आप लोगों को पता था कि थोड़ा सी मसले मसाइल हो गए थे शुरू में। जी जी, हर एक के साथ बेचारा गोट फार्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से हर आदमी थोड़ा सी स्लो भी हो गया, थोड़ा आदमी डिप्रेस भी हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा सी डिले हो गया, बाकी अल्लाह के करम से वापस खड़े हो गए सब लोग। बड़ी चीज ये है कि उस पे से रिकवर करना, रिकवर हो गए माशाल्लाह। ये सारे बकरे बेचने वाले आसिम भाई, देखे आप लोग क्वालिटी बोलेंगे ना आप लोग, सब दो दो दांत, चार चार दांत के बकरे आसिम भाई। सही है। मैं एक वॉक ले लेता हूँ ताकि लोगों को कुछ बकरे देखने मिले। आप लोग आके इसमें से चूज करके बकरे यहाँ रख सकते हैं, बकरा इत तक पलाई पे। बकरों के बाल कटे थे रमजान के शुरू में जी, तो ये जो फीलिंग है बकरों की, जो स्ट्रक्चर है, ये थोड़े थोड़े बाल है, 15-20 दिन में एकदम कम्प्लीटली बाल आ जाएंगे इनके। अभी भी बकरे चमक रहे माशाल्लाह, आप देखो जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन, गुलाबी बकरे, व्हाइट आईज, माशाल्लाह। ये बड़े बकरे हैं ना नदीम? ये बड़े बकरे हैं। माशाल्लाह। तो अभी इसमें से कुछ बकरे बाहर निकालते हैं हम लोग, बाहर निकालेंगे हम लोग, दिखा देते हैं, दिखा खोलो इसको नदीम भाई। माशाल्लाह, पहले ही बकरे से आई थिंक सिक्स मार दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये 140 किलो के आसपास का है जी और 44 की हाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। अजमेरा गुजरी तो लोगों ने काफी दिखाए बड़े बड़े बकरे। हाँ। आज सोजत में जो क्वालिटी दिखाएंगे हम लोग, देखो जैसे देखे। हाँ। आप मिल सकते हो उमर से भी है ना। हाँ। नदीम भाई के बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, इनको ही बकरों का अच्छा शौक है। हाँ, इनको मतलब कैसा है कि ये लोग पर्शियन कैट्स वगैरह का शौक है, तो ये लोग अपने घर में हम लोग के यहाँ पे मतलब सब पालते है जी, बकरों का शौक अभी जाग रहा है इनको। सही है। तो देखिए आप इसकी हाइट आपने बताया 40
44 कंफर्म है, 44 कंफर्म। हाँ, किसी को मेजर करना है तो मेजर कर ले। नदीम भाई बकरे दिखाने का मकसद ये है, देखिए जो बॉम्बे में रहता है वो तो क्लासिक उठवा आएगा ही आएगा इंशाल्लाह, जो बाहर रहता है जो नहीं आ सकते है। मेरा सवाल यही था क्या आप डिलीवरी करेंगे अगर कोई ऑनलाइन डील करे तो आप? हाँ करते ना, डिलीवरी तो हर साल करते ही ना, जैसे दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, झारखंड जाता है, फिर बिहार जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे बकरे जाते हैं। क्या दोस्तों एक एक करके आप लोग बकरे देखिए इंशाल्लाह, रसूल लेके जा और आपका दिल खुश होने वाला है। ला दूसरा दो। आसिम भाई वैसे तो सो जाते हैं, हाँ, पर मैं गंगा पारी भी इसे भी रिलेट कर रहा हूँ इसको, जो हरियाणा की नस्ल है। हाँ नहीं लेकिन सो जाती है ये, प्योर सोजत, पूरा प्योर सोजत है। गुलाबी सिक्के इसके, देखो सिंग इसकी व्हाइट है, खुर भी इसके व्हाइट है। 115 110 115 किलो के आसपास है बकरा। और मेन बात बताऊं कि इसकी जो बगली आई है, हाँ, ये साल भर पला है अपने पास। तीसरा बकरा देख लो आप, तीसरा बकरा देखो। अब ये बकरे कैसे है ना, ये खुद रुबाबदार बकरे है, देखो कमान वाले बकरे। ये देखो आसिम भाई ये छोटी साइज में, नदीम भाई माशाल्लाह अभी भी दो एक महीने रहते हैं। हाँ अभी भी और तो नदीम भाई ये जाते हैं ऊपर, चलेंगे इंशाल्लाह। ये होते हैं देखो, ये सब एकदम बारीक नुए के अच्छे सॉफ्ट बकरे, देखो मखमल के गुलाबी बच्चा है, देखो ये पूरा, ये देखो, ये देखिए व्हाइट आइस का बच्चा देखो, मार्बल सिक्कों के अंदर माशाल्लाह। सही आसिम भाई? सही नहीं, बहुत अच्छा है, हैदराबादी में आएगा। हाँ हैदराबादी क्रॉस में, क्या बात है। ये बकरा है ना थोड़ा सी, यानी बोल सकते हैं कि अंडू में ज्यादा था, लेट पंच बकरा है और रुबाबदार बच्चा है गुलाबी में माशाल्लाह। क्या बात है, ये देखिए व्हाइट आइस के अंदर बकरा देखो, व्हाइट आइस में गुलाबी बकरा, शॉर्ट हाइट में, लेकिन बकरा देखो पूरा कसाकस भरा हुआ बकरा देखो माशाल्लाह। अभी मेरी हाइट ज्यादा है तो बकरे थोड़े छोटे ही दिखते, जो बड़े बकरे होंगे वो थोड़े बड़े दिखेंगे, ऐसा है। खुर भी इसके मार्बल में देख सको, क्या भाग रहा है देखो आप, पूरी बोर्ड फिटिंग के अंदर बकरा है। ये सब 100-100 किलो के आसपास के बकरे हैं, ये वजन पे तो नहीं बेच रहे हैं, ये तो नंग वाले ही है बकरे, कोई 95 भी है, कोई 100 भी है, कोई 105 भी है, सब ऐसे सब नंग से ही दे रहे हैं। और नदीमा इन सब का रेट भी अलग अलग ही रहेगा? हाँ ये सब नंग वाले हैं, ज्यादातर अक्सर बकरे गुलाबी है ये, मतलब देखो ना अभी जितने भी निकले सब गुलाबी निकले अभी तक का, ये देखो। इसके बारे में क्या बोलेंगे, बाप रे पूरा व्हाइट बकरा है, व्हाइट डायमंड बोल सकते हैं आप इसको। अच्छा सब बकरे माशाल्लाह फिट एंड फाइन है, चाल वाल भी देख लो आसिम भाई, पीछे के पैर भाई आप इतने बकरों में से चूज करके नगीने लाते हैं, हाँ। माशाल्लाह और हमारा शौक पूरा करते हैं यहाँ पर। व्हाइट आइस के अंदर है, व्हाइट आइस में, लंबे कान में, थोड़ा सी अबलग प्रिंट में, अच्छे सिक्के का बकरा है, देखो सिक्के भी अच्छे खस्सी के अंदर माशाल्लाह, लेंथ भी बहुत बड़ी है, देखो आसिम भाई। ये देखिए अबलग बकरा, ये देखो ये एकदम बारीक रुए का बच्चा है आसिम भाई, और इसकी हाइट भी अच्छी लग रही है मेरे, हाइट भी अच्छी है। ये सब मतलब पूरे दांत के भी नहीं है बकरे, छह दांत पे बकरे, छह दांत पे हो गए बकरे, देखो ये छह दांत पे है बकरा, पूरे छह दांत पे है। तो ये बकरे पलटी के लिए कैसे रहेंगे? कुछ बकरे इसमें से पलटी कर सकते है, ये प्योर सिरोही में आएगा भाई, प्योर सिरोही में, देखो बच्चा क्या बारीक रुए का बच्चा है, एकदम चमक वाला, देखो इसको छोड़ता हूँ आसिम भाई, इसका थोड़ा वो बनाओ आप, उठी हुई गर्दन का बच्चा, ये नॉर्मल सोजत में बच्चे, जो सोजत के जो शौकीन है ना, कान पे देखो इसको प्रिंट है सोजत की, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ टिप्पा है सोजत का, ये सोजत के बकरों की निशानी है। ये लो आसिम भाई, ये देखो बकरा व्हाइट आइस के अंदर दोस्तों, अगेन काफी यंग बकरा है। अब ये सब अपने वही बीच वाले बाड़े के बकरे है जी, लेकिन अभी बकरे कैसे है ना कि और बकरे जब आ जाएंगे ना तो सब सेटल हो जाएंगे। देखो ये गुलाबी में अलग बच्चा, देखो बिल्कुल जबरदस्त कलर, छोटी हाइट में माशाल्लाह, देखो बच्चा पूरा बच्चा देखो माशाल्लाह। ये देखो आसिम भाई क्या बात है, खड़े सिक्कों में नदीम भाई, देखो व्हाइट आइस, काफी अच्छा कलर प्रिंट, सही है बहुत अच्छे। ये देखो क्या बात, कैसा बच्चा है, बुलेट ट्रेन के वीडियो की याद आ रही है, ये वैसे ही सब बच्चे हैं।
ये देखो ये एकदम यूनिक अलग कलर का बच्चा बात है, क्या बात है। सिक्के देखो इसके से, ये हाइट में छोटा है, 100 किलो नहीं है, कम होगा, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे चंचल है। देखो ऐसे कलर का बकरा काफी यूनिक है। हा? ये देखो आसिम भाई, ये बहुत सारे जैसे वो मालवे लोग पालते थे ना आसिम भाई, गोल गोल बकरे होते थे छोटी हाइट में। जी जी। तो अपने पास लोग अक्सर वो जाते हैं कि गोल मटोल बकरे चाहिए पूरे भरे हुए कसाकस। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो आदमी को कुर्बानी करने के लिए ऐसी नायाब चीज, अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्वालिटी है। देखो आप ये देखो सब बकरों की कमान अमान माशाल्लाह, गर्दन लंबी गर्दन के बकरे, ये इतने गोल हो जाते हैं बच्चे सब। इसकी हाइट देखें आप लोग, ये देखो ये सब हाइटेड बकरे हैं। नदीम भाई जगह होती है इनमें अभी भी? हाँ थोड़ी बहुत, ये सब बकरों में थोड़ी बहुत जगह है, लेकिन जैसे अगर किसी को पालना है ना तो अगर वो बोलेंगे ना मुझे तो मैं रेकमेंड करके दूंगा। इसके सिक्के कितने अच्छे प्यारे एकदम। देखो पैर वैर देखो, इन लोग सब सीधे पैर के बच्चे आसिम भाई माशाल्लाह। दोस्तों कलेक्शन 2024 क्लासिक गोट फार्म नदीम भाई, ये देखो जो कुर्बानी में बेस्ट बकरे लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो आसिम भाई ये बच्चा देखो, ये बोर फिटिंग के अंदर है पूरा, बहुत भारी बच्चा है। देखो नदीम भाई 100 किलो के ऊपर ही है। हाँ ये सब 100 किलो के ऊपर है, ये भी 100 किलो के ऊपर है। हाइट देखो आप लोग, ये सब 100 किलो के ऊपर है आसिम भाई। चलिए एक और बहुत अच्छा नासी कलर में बच्चा आ रहा है, नासी अबलग बच्चा है। चेहरे पे बालाजी पैच देखें आप लोग। बालाजी पैच मतलब ये बोर को आता है ना। अच्छा ये बोर वाला पैच है। क्या सब बकरों के मतलब डिस्क्रिप्शन है माशाल्लाह, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन भी बहुत जोरदार है। आसिम भाई एक एक बच्चा लाइव आके कोई भी देखे ना तो मजा आ जाए, यानी फिर आदमी कंफ्यूज जाए कि मैं लूं कौन सा, लूं ये लूं वो लूं। देखो नदीम भाई ऐसा होता है आपके साथ? हाँ बहुत होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाते ना। अब ये सब बच्चे देखो, अब ये सब 100 105 110 किलो में बेहतरीन बच्चे कुर्बानी करने के लिए। तो बच्चों की फिटिंग हाइट खूबसूरती कलर सब है। ये देखो गोट फार्म पे इस बार आप ये बच्चा देखो आसिम भाई सोजत के अंदर ऐसे बकरे में, ये देखो ये नटिया बकरा है छोटा एकदम भरा हुआ पूरा, ये चार दांत पे बच्चा ही है, चार दांत। ये देखिए इधर देखो गुजरी, ये देखो गुजरी प्रिंट में बच्चा। देखो ये देखिए शानदार अबलक, ये सब गोल मटोल बच्चे एकदम पूरे पूरे बेहतरीन। ये बच्चा बहुत भारी आसिम भाई, इसकी लेंथ देखो आसिम भाई, इसकी लेंथ देखो आसिम भाई, बहुत लेंथ का बच्चा है माशाल्लाह। 110 किलो ऊपर है बच्चा, ये देखो चार दांत पे पंजाबी 110 किलो पे। और क्वालिटी देखो पंजाब का, चार दांत पे है, 41 42 की हाइट है, 110 किलो चार दांत पे दिखा देता हूँ, छह बहुत उम्दा। ये सब 100 से कम के है, 90-95 ऐसे बकरे 100 के कम के हैं, लेकिन ज्यादा बकरे 100 किलो के हैं। ये सारे बकरे इधर खड़े आसिम भाई, आइए एक बार साथ में भी दिखा देंगे नदीम भाई एक बार इनको। पानी ला पानी। तो नदीम भाई ये खरीद के आप पलाई पे रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। पलाई का जो भी चार्जेस होगा वो डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल, रेट बिल्कुल, के रेट में हो सकता हो बिल्कुल। और ये बकरे नक पे दिए जाएंगे, किसी को लेके जाना है लेके भी जा सकते हैं। सही है, जिसको लेके जाके दूसरे फार्म पे रखाना है वो भी रखा सकते हैं आप। ठीक है नदीम भाई, ये वीडियो में और कुछ दिखाएंगे कि छोटे बकरे अलग से? इसके बाद में छोटे बकरों की एक वीडियो बनाएंगे। एक बार नदीम भाई वैसे तो हर एक के पास आपका नंबर है, मेरे हिसाब से पूरे महाराष्ट्र के अंदर बोलूंगा अगर कुर्बानी का जो सबसे बेहतरीन काम करते हो आप है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसी तरक्की, दुआ करता हूँ मैं। ठीक है आपके हाथ में इंशाल्लाह, और आपको नया बकरे चाहिए तो क्लासिक गोट फार्म आ जाइए आप लोग। ठीक है नदीम भाई एक बार आपका नंबर दे 9820486368। नदीम भाई सही टाइमिंग क्या रहेगा आपसे मिलने का? टाइमिंग मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि 12-1 बजे के बाद ही आओ, क्योंकि जोहर बाद आए, जोहर बाद ही आओ, क्योंकि एक तो मौसम भी बहुत गर्म है,
बकरों का फीड और साफ सफाई भी थोड़ा आगे पीछे लेट हो जाता है, तो 12-1 बजे के बाद आओ, शाम को 8 बजे तक हमारा फार्म चालू है। और ऑनलाइन कस्टमर्स को क्या टाइम प्रिफरेबल है फोन करने के? ऑनलाइन कस्टमर्स जैसे यही मतलब मुझे मॉर्निंग में भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं 11-12 बजे के बाद कॉल कर ले मुझे, मैं रात तक अवेलेबल हूँ। अगर उनको वीडियोस वगैरह चाहिए या डिस्कस करना है तो मैं अवेलेबल हूँ रात के 11। इसके अलावा मैप्स के लिए आप सीधा गूगल मैप पे रिफर कर लेंगे, लिखे क्लासिक गोट फार्म, बस आ जाएगा, आपको पूरा एड्रेस मिलेगा, तो आप इजीली आ जाएं। अच्छा, ये सारे बकरे देखो, ये सब अजमेरे यासिम भाई, ये सारे माशाल्लाह बकरे, सब बारीक मुंह के, ये सारे बकरे भी है, ये तो बिके हुए बकरे जो मेरे बिक गए हैं। और हर बकरा तो हम नहीं है, दिखा भी नहीं सकते कि इतने बकरे हैं, ये सब बिके हुए बकरे हैं। क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि क्लासिक गोट फार्म पे किस लेवल की क्वालिटी मिलती है। आपने अपने फार्म का नाम बहुत सोच समझ के रखा, आपके बकरे भी क्लासिक है और आप भी क्लासिक है माशाल्लाह। ये देखो बच्चा माशाल्लाह, ये सब चूज करते हो ना आप, ये सब चूज खड़े सिक्के के सब देखो माशाल्लाह। असल में बड़े बकरे कैसे है ना, वो एक एक बकरा चूज करके ही लिया जाए। अभी ये सब बच्चा देखो, इसको क्या नर बच्चा बोल सकते हैं, एकदम देखो ना, हैदराबादी के अंदर आएगा ये। चलेगा नदीम भाई, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। जी ठीक है, और जैसे लोगों ने बुलेट ट्रेन को हिट किए थे, इंशाल्लाह एक और बुलेट ट्रेन आने वाली है। बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। चलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।